हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और मेरा नाम है सुधीर। सुधीर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। आईसीटी का नाम आपने सुना होगा। तो ये बताइए कि आईसीटी शुरू कब हुआ था और इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आईसीटी शुरू कब हुआ था और इसका फुल फॉर्म क्या है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इनका नाम था यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन। और ये किस देश के थे? ये रसिया के थे। ठीक है, ये रूस के थे। और इनको अंतरिक्ष का कोलंबस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष का कोलंबस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो जो भारत के व्यक्ति थे जो सबसे पहले गए थे अंतरिक्ष में, उनका नाम था राकेश शर्मा। क्या नाम था उनका? राकेश शर्मा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो अब भारतीय, पहले तो पुरुष का पूछा, ठीक है, भारत में पुरुष कौन था? राकेश शर्मा, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। उसके बाद है, भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी भारत की तरफ से? तो इनका नाम है कल्पना चावला। क्या नाम है? कल्पना चावला। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम चालक रहित विमान का क्या नाम था? तो ऐसा विमान जिसमें चालक नहीं था, ठीक है, जिसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं थे, उस विमान का क्या नाम था? तो उसका नाम था लक्ष्य। क्या था? लक्ष्य। उसके बाद है फाइव नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है? तो भारत का ऐसा उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है, यह है एडुसेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर पेपर में मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्त, ये हो गया वीडियो। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर भी करिए। एंड फाइनली, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।